नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। लालू यादव की तबीयत ठीक होने के बाद जैसे लालू यादव अपने पुराने फॉर्म में पहुंच गए हैं और अब जब मुंबई में मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में जो है मुसलमान भाई सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस के बारे में कहा कि हम सब एक मंच पर नहीं थे, जिसका फायदा भाजपा ने उठाया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लालू यादव। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे, उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा। और मोदी काफ़ी इसमें इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ करके आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए।
एक पैसा नहीं, सब इन्हीं का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक, आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया, हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ, पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का, अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है, तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा के। ये हम देखते थे पहले के जमाना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे, कोई इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमेशा अपनी बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस देश में जो है अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।